शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान। आपके पास भी है इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं CBI, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को SSC CGL में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें SSC Maker का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए SSC Maker ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SSC Maker पर। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी SSC CGL के लिए। इसके अलावा अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, आप MTS की तैयारी कर रहे हैं, आप CPO SI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो क्लास है ये क्लास आप लोगों के लिए है, ये क्लास आपके लिए ही है। तो इस क्लास को जो है एक बार आप सभी जो है ध्यान से देखिएगा, क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी नया आपको मिले उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। जो कुछ भी नया आपको मिलता है उसे लिख लीजिए, जिससे कि एग्जाम में किसी भी तरह की दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। साथ में याद रखिएगा, टारगेट RPF कांस्टेबल और SI के लिए टारगेट बैच है आपका 299 में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ALP और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है आपके पास। आर्मी अग्निवीर के लिए अग्निवीर बैच है। CGL CHSL के लिए आपके पास संकल्प बैच है। इन बैचेस के साथ जुड़ जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके बैच हैं, इंपॉर्टेंट बैच हैं। अगर आप इनमें से किसी एक भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेस के साथ आपको जरूर जुड़ना है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। जनसंख्या टोटल उसमें परसेंटेज पूछा है किसका ज्यादा है, ठीक है, बताओ। रागिनी, मीना, आशा, सुमन, तब्बू, रीमा, अफलातून, अंकित, आरा, परी, मधु, अंकित, स्वागता, हर्षित, मयंक, दीप, रमेश, मीना, जागृति, केवल। चलिए बहुत अच्छे, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पूछ रहा है परसेंटेज में हिंदू की जनसंख्या सबसे अधिक कैसे। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है, इसे ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई राज्य है, जैसे मान लो एक आपका ले लें मध्य प्रदेश ले लें एक, ठीक, क्या एक जो राज्य है ये ले लें एक मध्य प्रदेश, ठीक है, एक ले लेते हैं उड़ीसा, इसकी जनसंख्या कितनी है भाई? 1000 लोग जो है यहाँ रह रहे हैं, इसमें रह रहे हैं 100 लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 200 हिंदू रहते हैं, ठीक है, इस पूरी जनसंख्या में जो 200 हैं वो हिंदू हैं, ठीक। यहाँ पर जो 50 हैं ये हिंदू हैं, संख्या में देखा जाए तो ये कम है, संख्या में ये बहुत ज़्यादा है, इसके मुकाबले तो 4 गुने हैं। तो संख्या में देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या अधिक कहाँ हुई? यहाँ हुई। पर परसेंटेज में देखें अगर तो ये 200 जो है कितना परसेंटेज हुआ? 20%, है ना। और इसकी देखें ये परसेंटेज कितना हुआ? ये हुआ 50%। तो परसेंट में ये ज़्यादा हैं, संख्या में ये ज़्यादा हैं, है ना। अब बस यही कह रहा है कि ये बताओ परसेंटेज में जनसंख्या देखें और जनसंख्या के हिसाब से परसेंटेज निकालें तो हिंदू सबसे अधिक इनमें से कहाँ पर हैं वो बताना है। बताओ जरा कहाँ पर है?
बढ़िया, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना, ठीक? चलो, बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे एक बार बता दो कि हाँ आपको बात समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई जी देवता? अरे बिल्कुल प्रभु, अच्छा जी, तुम्हारे आंसर करने ना करने से इतना फर्क पड़ेगा मुझे? सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, ये बताना है। लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है, ये बताओ। जनघनत्व सबसे अधिक किसका है और सबसे कम किसका है, वो आपको बताना है। ये तीन चार प्रश्नों के जवाब आपको देने, बताओ। साक्षरता सबसे अधिक किसकी है और सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, बताओ। परसेंटेज निकालना जानते हो, है ना? परसेंटेज का मतलब ये था, जैसे 1000 लोग रह रहे हैं और उसमें से 200 हिंदू हैं, कितना परसेंटेज हुआ? 20% हुआ ना? हुआ, मतलब जो उस राज्य की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से कितने प्रतिशत हिंदू हैं? 20%, ठीक। अच्छा भाई, अगर मान लो कहीं 100 लोग रह रहे हैं और उसमें 50 हिंदू हैं, परसेंटेज कितना हुआ? 50%। तो जो जनसंख्या है उसके हिसाब से जो हिंदू हैं उनकी परसेंटेज कितनी हो गई? 50%। परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो क्या ज्यादा हुआ? ये है ना। और अगर जनसंख्या नंबर के हिसाब से देखा जाए तो नंबर के हिसाब से ये ज्यादा है ना, इसकी तो टोटल पॉपुलेशन भी इससे कम हो गई, लेकिन परसेंटेज में ये कम है, ये ज्यादा है। संख्या में ये ज्यादा है, ये कम है ना, ये बात है, तो ये याद रखना बस। ग्लेन टी सीबर्ग द्वारा 1940 में खोजे गए कौन से एक्टिनाइड का उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है? ये जो है ये ऊर्जा स्रोत के रूप में भी काम करता है, जरा बताओ किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बहुत बढ़िया, है ना। इसकी खोज की है ग्लेन टी सीबर्ग द्वारा। किसने? ग्लेन टी सीबर्ग ने इसकी खोज की है, 1940 में इसकी खोज की है, ठीक। सबसे अधिक साक्षर केरल है, सबसे कम है बिहार, ठीक है। सबसे अधिक जनघनत्व है बिहार का, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। जनसंख्या में सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश, सबसे कम कौन सा है? तो सिक्किम है, ये याद रखना। केरल चौथे सॉरी राजस्थान से तीसरे नंबर पे आता है लास्ट के, है ना, जैसे थर्ड लास्ट है वो बिहार, बिहार के बाद शायद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है आपका राजस्थान। मतलब राजस्थान में जो जन साक्षरता है वो कम है, उससे कम साक्षरता अरुणाचल प्रदेश में और सबसे कम बिहार में, ठीक। बढ़िया, बहुत अच्छे, हाँ बढ़िया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लूटोनियम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लूटोनियम, ये याद रखना। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, कितना है हरियाणा का लिंगानुपात बताओ जरा? जो हरियाणा है इसका लिंगानुपात कितना है बताओ? ठीक, मेधु, अमित, प्लूटोनियम। प्रभु इतनी ज्यादा जल्दी ठीक नहीं है, है ना? क्वेश्चन देखो उसके बाद आंसर देखो, ठीक है? थोड़ा क्वेश्चन ठीक से पढ़ भी लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? आगे देखें, क्वेश्चन है आपका, कृषि का व्यवसायीकरण फिल इन द ब्लैंक्स का एक संकेत है। विपणन योग्य अधिशेष, उत्पादकों का अधिशेष, आय अधिशेष, उपभोक्ता अधिशेष। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज अ साइन ऑफ मार्केटेबल सरफेस, प्रोड्यूसर सरफेस, इनकम सरफेस, कंज्यूमर सरफेस। कृषि का जो व्यवसायीकरण है ये इनमें से किसका संकेत है वो पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक कृषि का, कृषि के व्यवसायीकरण का संकेत है, है ना? मतलब जो कृषि है उसका, जो फार्मिंग है उसका कमर्शलाइजेशन हो रहा है, इनमें से कौन सा एक संकेत, कौन सा एक तरह से कहें साइन है जिससे यह पता चलता है कि हाँ कृषि का भी व्यवसायीकरण हो रहा है, बताओ जरा। ठीक,
इनकम सरप्लस का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, तो मुझे पता नहीं था, हमारे यहां तो सीधे देवता को बोलते हैं, है ना, कि वो मोरे मालिक, वो मोरे प्रभु, सीधा ईश्वर, है ना। ये लिंगानुपात में ये होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, साक्षरता की कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एक कैसे हैं, अलग अलग हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विपणन योग्य अधिशेष, सॉरी, है ना, मार्केटेबल सरप्लस। आगे, निम्नलिखित में से किसने आनंदमठ लिखा है जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। पूछ रहा है आनंदमठ के रचयिता कौन है, और आनंदमठ जो है उससे ही क्या लिया गया, उससे ही जो है आपका लिया गया है वंदे मातरम। ठीक, मोहम्मद इकबाल, अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। हु अमोंग द फॉलोइंग रोट आनंदमठ फ्रॉम विच इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन? मोहम्मद इकबाल, अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बताओ जरा क्या हो जाएगा। इसमें किस विद्रोह का उल्लेख है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, और ना ही ऐसा कुछ है कि उसे देवता कहते हूं, ऐसा कुछ नहीं है। गलत न्यूज मिली है तुमको, खबर ही गलत है तुम्हारी। बिल्कुल चल जाएगा, क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, तीनों की तैयारी कर रहे हो तो क्लास आपकी, अगर तीनों की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपकी। ठीक है ना, चलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने लिखा है आनंदमठ, आनंदमठ में ही है आपका वंदे मातरम। ठीक है, इसमें विद्रोह है किसका, सन्यासी विद्रोह। किसके बारे में जिक्र है, इसमें जिक्र है आपके सन्यासी विद्रोह के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जिक्र है, इसमें जिक्र है सन्यासी विद्रोह के बारे में, यह याद रखना। ठीक है, किसके बारे में, सन्यासी विद्रोह के बारे में इसमें जिक्र है, याद रखना। अच्छा, नील विद्रोह का जिक्र किसमें देखने को मिलता है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें नील विद्रोह का जिक्र देखने को आपको मिलता है? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा है राष्ट्रगान, भारत का भी और बांग्लादेश का भी, है ना, इन्होंने ही लिखी है गीतांजलि। जो गीतांजलि है ना, वो इन्हीं की लिखी हुई है। जो गीतांजलि है बेसिकली वो क्या है, वो कविताओं का संग्रह है। जो गीतांजलि है वो कविताओं का संग्रह है, ये याद रखना। और इसके लिए मिला है इन्हें नोबेल प्राइज, कब मिला है ये बताओ, किसमें मिला है, साहित्य में मिला है। इनकी एक दो रचनाएं और बताओ, जैसे एक रचना इनकी काबुली वाला है ना, जैसे इनकी एक रचना है काबुली वाला। ठीक है, इन्हें यह बताओ, ये जो नोबेल पुरस्कार है ये कहां किस सन में मिला है, कौन सा वर्ष है? ये दूसरे गैर यूरोपीय हैं जिनको ये मिला है नोबेल प्राइज, पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, 1896 में रहमतुल्लाह ने अधिवेशन, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, उसमें सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम सबसे पहले राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था वो बताओ, जो राष्ट्रगान है वो सबसे पहले कब गाया गया है ये बताओ, है ना, जो राष्ट्रगान है ये सबसे पहले कब गाया गया है। जो नील विद्रोह है ये देखने को मिलता है नील दर्पण में, है ना, एक उपन्यास है नील दर्पण, दीन बंधु मित्र इनका है ना, दीन बंधु मित्र जो है इनका है, ये याद रखना। बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। आगे देखो, वातावरण की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूपरपटी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और या रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? चट्टानों के पिंडन, मिव, चट्टान के निर्माण, अपक्षय और चट्टानों के जलियन, बताओ जरा क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आधा है, इसको पूरा कर दूं मैं एक मिनट को।
नहीं सही है, मिब चट्टान। हाँ ठीक है, मुझे लगा मिब की वजह से अधूरा, पर ठीक है पूरा क्वेश्चन है। बताओ जरा क्या हो जाएगा। पूछ रहा है वातावरण की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूपर्पटी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे आप ग्रंथ बोले, गलती से बोल दिया होगा, मैं उपन्यास के बारे में बात कर रहा था, पुस्तक के बारे में। ठीक है, हाँ मैं ये कह रहा हूं, जैसे कोई चट्टान है, मान लो ये एक चट्टान है, ठीक है, क्या है, ये एक चट्टान है, ठीक है, ये क्या, ये चट्टान है, ठीक है, वातावरण में। अब इस पर भौतिक और रासायनिक फैक्टर की वजह से ये टूटना शुरू कर दे या इसमें जो है अपघटन होना शुरू हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, चट्टानों का पिंडन कहेंगे, मिब चट्टान का निर्माण कहेंगे, अपक्षय कहेंगे, या चट्टानों का जलियन कहेंगे, है ना, कहेंगे क्या उसे, ये पूछ रहा है। हाँ मोनिका शर्मा सी, हाँ बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपक्षय, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपक्षय, तो ये याद रखना। हाँ बिल्कुल ठीक है, अपक्षय बिल्कुल सही जवाब है इसका, है ना, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में बैदरिंग, वो नीचे लिखा हुआ है देख लो, क्या बोलते हैं इसे, कहा जाता है बैदरिंग। बारिश होने लगी आई थिंक। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी, इनमें से कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना 1885 में हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ईस्ट इंडिया संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885, 1885 में स्थापना हुई है किसकी। ठीक, हाँ मीना राठौर। अरे कोई बात नहीं बच्चे, कई बार ऐसा होता कि नहीं दिखता, कमेंट है, आपने जब आपने कमेंट किया हो तब मैं हो सकता है इधर देख रहा हूँ, है ना, जब आपने लिखा हो सकता है आपका कमेंट जल्दी ऊपर चला गया हो, तो कई सारे रीजन होते हैं, कई बार नहीं दिखता कमेंट, है ना। हाँ 1885 में इनमें से किसकी स्थापना हुई है, हाँ किसकी हुई है, तो याद रखिएगा ये हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, किसने की है, ए ओ ह्यूम ने की है। ए ओ ह्यूम जो है इसका पहला सचिव था, क्या था, इसका पहला सचिव यही था, ये याद रखिएगा। इसकी पहली अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने, ठीक है, किसने, डब्ल्यू सी बनर्जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की है पहली, ये याद रखिएगा। दूसरा यह अध्यक्षता जो है, जो पहला जो इसकी बैठक हुई है कांग्रेस की, पहली बैठक हुई कहां पर है वो आपको बताना है। बताओ जरा, मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना हुई है 1906 में ढाका में हुई है, ठीक है, किसने की है, सलीमुल्ला खान और आगा खान, सलीमुल्ला खान और आगा खान ने की है, ये याद रखना। पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब, किस वर्ष की थी उन्होंने इसकी अध्यक्षता, किस वर्ष उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है ये आपको बताना। ठीक, अच्छा कोई नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हुई, की किसने थी, एम एन राव ने, कब किया ये बताना। निम्नलिखित में से किस शहर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है, इनमें से कौन सा शहर है जहां पर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो स्थित है वो बताना। ठीक, बढ़िया, अच्छा ठीक है, आओ 1887 में, हाँ बदरुद्दीन तैयब ने, ठीक है बहुत अच्छे। यह क्या हो जाएगा, तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहां पर है, दिल्ली में, दिल्ली में जगह है मेहरौली,
यहाँ पर है, मेहरौली में ही क्या है, मेहरौली में ही है आपका लौह स्तंभ, यहीं पर है आपका अलाई दरवाजा, है ना, क्या है अलाई दरवाजा। जरा कमेंट में लिखकर बताओगे जो अलाई दरवाजा है ये किसने बनवाया है, जो अलाई दरवाजा है वो किसने बनवाया है ये आपको बताना है। इसके अलावा एक चीज के बारे में और बताओ। मेड, व्हाट नॉनसेंस इज मेड, मतलब क्या जान कैसे आया तुम्हारे दिमाग में ये विचार अचानक से, ठीक है ना। इसके अलावा एक है जलाशय, उस जलाशय का नाम मैं फिर भूल गया यार, इल्तुतमिश ने बनवाया था, एक बड़ा जलाशय था, क्या नाम था उसका बताओ जरा, क्या नाम था, ठीक है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है, भारत में निर्मित पहली मस्जिद, ठीक है ये याद रखिएगा। पानीपत में लड़ाइयां हुई हैं, चलो। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से फ्लिंदा ब्लैंक्स की जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा। इनमें से कौन सा एक है जिसकी जगह पर लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा हथियार में और हथियार बनाने में या औजार बनाने में, इनमें से किसकी जगह पर लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा जिसको फिर जो है हम क्या कहने लगे, लौह युग कहने लगे, ठीक, बढ़िया। है ना, बताओ जरा क्या हो जाएगा, ठीक, चलो ठीक है। तुम उसमें इन्वॉल्व हो क्यों इतना, तुम अपने पढ़ाई में क्यों नहीं इन्वॉल्व हो, तुम अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व हो ना, सामने क्वेश्चन उसका आंसर, तुम आंसर दो, कुछ पूछो उसका जवाब दो, बात खत्म, तुम उस चीज में इन्वॉल्व हो ना, इसमें वहां क्यों इन्वॉल्व हो, क्या है हौजे सुल्तानी, बहुत अच्छे, हौजे सुल्तानी एक जलाशय है जो मेहरौली में है, इल्तुतमिश ने बनवाया है, ठीक है। किसकी जगह पर लोहे का इस्तेमाल करने लगे वो बताओ, हाँ ठीक, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कांसा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कांसा, ये याद रखिएगा, ठीक है चलो। एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है, बताओ। एथोनिक अम्ल जो है उसका उपयोग इनमें से किस लिए करते हैं, जरा बताओ, सॉरी मतलब इनमें से एथोनिक अम्ल को और क्या कहते हैं वो पूछ रहा है, उसका दूसरा नाम पूछ रहा है, एथोनिक अम्ल का दूसरा नाम पूछ रहा है, बताओ। सिरका, कास्टिक सोडा, सेब का रस और बेनिलिन। एथोनिक एसिड इज सिनोनिम्स विद विच एसिडिक लिक्विड विच इज यूज एज एन एल्कलाइन सीजनिंग इन प्रिपेयरिंग एंड कुकिंग सर्टेन फूड्स इन किचन अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इनका यूज होता है, कुकिंग वगैरह में इसका यूज होता है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपको बताना है, क्या कहेंगे इसे एथोनिक अम्ल को और क्या कहेंगे। ए, बहुत अच्छे, है ना, क्या कहेंगे, ए कहेंगे, ये याद रखना, ठीक, मतलब ए कहेंगे का मतलब है कि ऑप्शन है इसका ए, मतलब पहला वाला आंसर सही है, इसका नाम है सिरका या विनेगर, हाँ बहुत अच्छे। सपना रावत, हाँ ये हुई ना बात, अब क्वेश्चन पर ध्यान दो, बाकी चीजें जो हो रही हैं उन दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखें, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय राज्य नृत्य से संबंधित है, ओडिसी, कथकली, सत्रिया और कथक। माटी अखोरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मार्शल डांस ऑफ इंडिया, माटी अखोरा जो है वो इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, बहुत बढ़िया,
है ना, जो माटिया खोरा है वो इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है वो बताओ। अरे पत्थर कहां पूरा पाषाण काल में था ना, स्टार्टिंग में हम पत्थर का यूज करते थे, धीरे धीरे जब हमें धातुओं की समझ हुई तो हम कांसा जो है उसका यूज करने लगे, है ना। कांसे के साथ दिक्कत ये थी, जैसे आप लोहे की कुल्हाड़ी ले लो और कांसे की कुल्हाड़ी ले लो, चांसेस कम है मतलब उन दोनों में अगर देखा जाए तो, अगर कांसे की कुल्हाड़ी से पेड़ काटोगे ना तो ऐसा हो सकता है कि कुल्हाड़ी जो है चार बार टेढ़ी हो, और लोहे की से काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लोहे की ना सॉलिड ज़्यादा थी है ना अपेक्षा कांसे के, इसलिए जो है उसका उसको रिप्लेस कर दिया किसने, लोहे ने। यही वजह है ना कि जब 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में जो तलवारें वगैरह थी उसके लिए लोहे की डिमांड हुआ करती थी, बाहर से मंगाते थे या जो भी जिसके पास भी होता था, मगध के पास लोहे के भंडार मिल गए है ना, उसने लोहा जो है वो निकालना शुरू किया, उससे बनानी शुरू कर दी धार, हो गया काम खत्म है ना। फिर मगध ने 16 जनपद, बाकी के जितने 16 जनपद थे उसको अपने अंडर में लिया, है कि नहीं, ये वाली बात है, समझ गए। माटी अकोरा भारत के से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है वो बताओ। ओडिसी का प्राचीन नाम क्या है, जो ओडिसी है इसका प्रारंभिक रूप क्या था, ओडिसी जो नृत्य है इसका प्रारंभिक रूप क्या है बताओ। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्रिया, वेरी गुड, क्या बात है, लगातार दो तीन प्रश्नों के जवाब तुमने सही दे दिए, शाबाश, है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्रिया, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक हैं ये हो जाएंगे शंकर देव, क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे शंकर देव, याद रखिएगा वैष्णव मत से ये संबंधित है, किससे, वैष्णव मत जो है इससे ये संबंधित है कहां का, आसाम का, कहां का है, ये हो जाएगा आसाम का, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओडिसी का जो प्रारंभिक रूप है उसे बोलते हैं गोतीपुआ, उड़ीसा का है याद रखिएगा, कथकली जो है ये केरल का है ना। इसी तरह से एक है कथक जो कि यूपी का है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा, ये जरूर याद रखना क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा कथक तो लिखा ही हुआ था, उन्होंने क्यों अलग से लिखा। पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा इनमें से किस नृत्य में कुशल नृत्यांगना है, अगर बात की जाए तो भरतनाट्यम के अलावा और किससे संबंधित है सोनल मानसिंह, जो सोनल मानसिंह है उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार दिए गए, बताओ जरा क्या हो जाएगा। अरे तुम क्वेश्चन पर क्यों नहीं ध्यान देखते, तुमको लॉन्ग आईडी पर मतलब तुम्हारा उस पर ध्यान है, तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते। जनपद मतलब ऐसा था जैसे मान लो यह भारत था उस समय, है ना, यह तो आज का भारत है, ठीक है, यह क्या है, यह आज का भारत है, वर्तमान का यह, पहले का क्या था, पहले का ये था, ठीक है, पूरा ये जो नेपाल वगैरह ना ये सब इसी में था, ये तो ये ना होके ये था, ठीक, ये जो पूरा ये है ये था पहले का भारत, है ना। अब इसमें एक जनपद यानी कि एक राज्य ये हो गया, एक यहां पर हो गया, ठीक है, इस तरह से ना कुल मिला के 16 राज्य थे, इस तरह से देखा जाए तो टोटल कितने थे, 16 राज्य थे टोटल मिला के, ठीक है, जिनमें एक था मगध, मगध ने पहले इसे जीता फिर इसे जीता फिर इसे जीता, तो अब मगध हो गया इतना बड़ा, फिर मगध ने ये जीत लिया, फिर मगध ने ये जीता, फिर ये, तो इस तरह से मगध जो है ना वो इतना बड़ा हो गया, लास्ट में यहाँ पर कलिंग था तो मगध ने कलिंग को जीत लिया, फिर इस पूरे हिस्से 16 महाजनपद इतने हिस्से में थे ये सब उसके हो गए, फिर दक्षिण के राज्य आए, इन सबको यहाँ तक जीत के जो है अशोक के, अगर देखा जाए अशोक का जो साम्राज्य था वो यहाँ तक था, ये पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान वाकिस्तान सब छोड़ के, ये दक्षिण में तमिलनाडु वगैरह इनको छोड़ देना, इस वाला कर्नाटक का जो पूरा राज्य था वो किसका था, वो अशोक का था, यानी कि मगध का था, ठीक है, ये याद रखना, ये मतलब है इसका। सही, 16 महाजनपद थे, हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बता दो, जो 16 महाजनपद है ना, इनका जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है।
ये किससे संबंधित है? तो याद रखना ये संबंधित है भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी से, है ना। भरतनाट्यम के अलावा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ओडिसी से, याद रखिएगा। ठीक, बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक विद 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है? ऐसी बात नहीं है, देखो ये रहा माउस, पर मैं ब्लॉक नहीं करना चाह रहा, बस ऐसा ही है। कथक और कथकली में क्या अंतर है? एक तो नाम का अंतर है, दूसरा उसके स्टाइल का अंतर है। एक उत्तर प्रदेश का है कथक, कथकली केरल का है, अंतर ही अंतर है। तुमको एक जैसा लग रहा है? ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक विद 1896 इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है? पादपों के इंडियाना ड्यून्स जो है उसमें, मतलब जो भारत के जो ड्यून्स वगैरह ना रेगिस्तान वगैरह की तरफ का, वहां पर पादपों का अध्ययन किया था इनमें से 1896 में, कौन सा है बताओ? ठीक है, रॉबर्ट मैकआर्थर, एल्डो लियोपोल्ड, जी एवलिन हचिंसन और हेनरी चाइल्ड काउंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिस्ट इज फेमस फॉर स्टडिंग प्लांट लाइफ इन द इंडियाना ड्यून्स इन 1896, बताओ। हाँ, थोड़ा और उसे बड़ा कर दो, फिर तुम्हारी जो आइडिया है ना वो आगे पीछे से छाट दी जाएगी, है ना। ठीक। क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा हेनरी चाइल्ड काउंट्स। क्या? हेनरी चाइल्ड काउंट्स, ये याद रखिएगा। राजगीर चिड़ियाघर इनमें से किस राज्य में स्थित है? राजगीर चिड़ियाघर जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है वो बताना। ठीक। रीमा, प्रियांशु, बेटे पूरे अक्षर अक्षर का फर्क है, पूरे एक अक्षर का फर्क है उसकी मात्रा का भी, और वो कथक नहीं है, कथक है, कथक लिख देते होता ये है ना, तो बहुत अंतर है, समझ रहे हो? अरे यार तुम नहीं मानोगे ना। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बिहार, है ना। मगध की राजधानी रहता था राजगीर या राजगृह, राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है, यहीं पर पहली बौद्ध संगति हुई थी, जो पहली बौद्ध संगति है वो यहीं हुई थी। किसके समय में हुई थी? तो याद रखिएगा ये हुई थी अजात शत्रु के समय में, महात्मा बुद्ध के मरने के तुरंत बाद। ठीक है, किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु के समय में ये हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महाकश्यप ने। ठीक, हुई कहां थी? राजगीर में। ठीक है, बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति। ठीक, जितने हो जाएंगे मैं उतने करवा दूंगा। पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी, और पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया और बसाया था वो था उदीन, अजातशत्रु का पुत्र उदीन। ठीक है, आगे देखें। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा इसकी मेजबानी करेगा कौन? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। किसके समय में हुई थी? अशोक।
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्त तिस्स ने। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी इनके द्वारा की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, यानी कि ये कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है ना, आगे देखो। हेराल्ड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है ना। पूछ रहा है यह भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर जो कहाँ से चला गया वॉइस, ये बताओ किस जगह से वॉइस गया, कहाँ से, मुझे दोबारा से पढ़ाना कहाँ से आवाज नहीं आई मुझे वो बता दो, फिर मैं वहां से ना दोबारा से पढ़ाऊं। हम मेरी बाणी सुनाई दे रही होगी तुम्हें, सुनाई दे रही है? ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेराल्ड डोमर मॉडल जो है इस पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देखो। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना वो कृषि विकास से संबंधित थी। किससे? कृषि विकास जो है इससे संबंधित थी पहली। कृषि विकास से संबंधित थी पहली, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी जो है वो थी महाल नोबिस पर, और यह भारी उद्योगों से संबंधित थी। ठीक, अच्छा, मधुर वाणी तुम्हारे कानों तक आ गई, सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलो आगे देखें। किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा, मतलब
हिमाचल प्रदेश में अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना डिस्ट्रिक्ट जज में, और उनमें से किसी को जो है हाई कोर्ट में अपील करनी होती, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट में कहाँ अपील कर सकता था, हिमाचल प्रदेश में या फिर दिल्ली में, है ना। बेसिकली वो दिल्ली में अपील करता, क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में था ही नहीं, तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का जो काम है वो दिल्ली हाई कोर्ट कर रहा था, ठीक। कब तक इसने ये काम किया है, 1968, 1971, 1969, 1967, टिल विच ईयर डिड द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कंटिन्यू टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर हिमाचल प्रदेश, बताओ जरा क्या हो जाएगा। हाँ ठीक, अच्छा हाँ हो सकता है, मैं खुद अपनी मेरी आवाज़ घटिया मैं खुद मानता हूँ, तो मैं कहने की ज़रूरत नहीं उसमें, मेरी जो आवाज़ है एक्चुअली में मेरी आवाज़ की जो टोन है ना वो एकदम थोड़ी तीखी और तेज़ है, मैं मानता हूँ इस बात को, तुम क्या कह रहे हो, ऐसे मैं बोलूँगा ना जैसे अचानक से मैं बोलता हूँ एकदम कानों को चुभने वाली जो है उस तरह की निकलती है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, जो चीज़ है सो है। हाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1971 तक, कब तक, 1971 तक है ये, याद रखना, बहुत अच्छे, ठीक। चितरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, विद हुम डिड चितरंजन दास एस्टेब्लिश स्वराज पार्टी 1923 टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, बताओ जरा क्या हो जाएगा, ठीक बढ़िया। हाँ चितरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई है, चितरंजन दास और किसने ये पार्टी की स्थापना की है वो आपको बताना, बताओ जरा क्या हो जाएगा, बढ़िया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, है ना। चितरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष बने थे, जो स्वराज पार्टी है इसके अध्यक्ष कौन बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे सी आर दास, ठीक है। इसके सचिव कौन बने थे, मोतीलाल नेहरू, है ना। इन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था नेशनल हेरोल्ड करके, ठीक है, यह याद रखना। यह संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, यह पहले पीएम रहे हैं, अंतरिम सरकार के भी पीएम यही चुने गए थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू ने जिस उस अधिवेशन के बारे में बताओ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य जो है इसकी बात की थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी, बताओ जरा। हाँ ठीक, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है, अब महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, स्वच्छ भारत मिशन इज रिलेटेड टू विच पब्लिक फिगर, किससे संबंधित है, संबंध है इसका, ये बताना। हाँ बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो किसके किसको श्रद्धांजलि देने की बात कहें या किसके नाम से जुड़ा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जो है ये स्टार्ट कब हुआ था ये बताओ, लाहौर अधिवेशन हुआ कब था, वो वर्ष कौन सा, किस वर्ष का अधिवेशन है वो और हुआ कब था। किससे संबंधित है, यह है महात्मा गांधी से,
महात्मा गांधी ने 1924 में अध्यक्षता की थी, मात्र एकमात्र की अध्यक्षता की है। वो जो अध्यक्षता है वो कौन से, मतलब वो जो अधिवेशन है कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में की थी? एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। किस समिति ने एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की? यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, इनकी एक न्यू फॉर्मेशन या जो एक तरह से कहे ना कि एक नई वित्त संस्था, इसी से एक नई वित्त संस्था बनाने की सिफारिश में से किसने की है? किस समिति ने एनबीएफसी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी, इसकी भी एक नई श्रेणी जो है यह बनाई जाए, इसकी सिफारिश में से किसके द्वारा की गई है? ठीक, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका मालेगांव समिति। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका मालेगांव समिति, यह याद रखिएगा। आगे, मौलिक कर्तव्य फिल इन द ब्लैंक्स है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। सामान्य, वैधानिक, नियामक, गैर संवैधानिक। फंडामेंटल ड्यूटीज आर फिल इन द ब्लैंक्स एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट आर केप्ट इन माइंड बाई द कोर्ट वाइल डिसाइडिंग एनी केस। बताओ जरा क्या आ जाएगा? मौलिक कर्तव्य क्या है? सामान्य है, वैधानिक है, नियामक है या गैर संवैधानिक है, किसमें आते हैं? महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव कर्नाटक में। मिश्रा जी, मालिक, तुमको नहीं लग रहा तुम लिमिट, जो लिमिट है ना उसको क्रॉस कर रहे हो? पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना? ठीक नहीं है फिर जो तो कुआं में कमेंट कर रहा है वो किसी और को कमेंट दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। इवन तुम कुछ पूछोगे तो मुझे ही नहीं दिखेगा, किसी और की तो बात ही क्या कहूँ, है ना? तो थोड़ा सा चिल करो, कई बार जब तुम हंसी मजाक करते हो तो अपनी लिमिट क्रॉस मत किया करो, अपनी लिमिट में रहा करो, ठीक है? ये क्या है? ये है वैधानिक, है ना? मतलब अगर आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं वो क्या है, वो आपके वैधानिक हैं, ठीक है? गैर संवैधानिक नहीं है, संविधान में उल्लेख है उनका, है ना? सामान्य तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? हाँ, बस ऐसा हो सकता है कि अगर मौलिक कर्तव्य जो है उनका उल्लंघन होगा ना तो आप उसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, है ना? आप उसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये याद रखना, ठीक? प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोरस लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बी युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें। अरे बाप रे, एक पूछ रहा है इनमें से कौन सा ग्लास वैक्यूम ट्यूब है, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन बी, जो इलेक्ट्रॉन बी होते हैं ना उससे सीलबंद है और इस पर लेप लगा है फास्फोरस का और यह प्रकाश उत्सर्जित होने पर दिखाई देता है, है ना? वो पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। आगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी हैं? सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री इनमें से कौन रहा है वो पूछ रहा है, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है इनमें से? हाँ, कौन रहे हैं तो याद रखिएगा ये रहे हैं चंद्रशेखर, ठीक है? अच्छा, कौन से प्रधानमंत्री हैं जो संसद ही नहीं जा पाए, संसद का सत्र लगता उससे पहले ही उनकी सरकार गिर गई थी? नाम है चौधरी चरण सिंह।
जो चौधरी चरण सिंह हैं उनका जो जन्मदिन है उसको हम राष्ट्रीय कृषि दिवस के रूप में मनाते हैं, किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, सॉरी राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। जरा बताओ कि उनका जन्मदिन कब हुआ है? ठीक, लेके भी क्या ही कर लिया आज ही, कौन से तुमने झंडे गाड़ दिए अब तक? नहीं, मनाली और केलोंग के बीच यात्रा के समय कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है ना। एकल ट्यूब मतलब एक तरह से देखा जाए तो गुफा जो है ना, इसके अंदर जो है यह बनाई गई है टनल। ठीक है, कौन सी है जो मनाली और कोलैंग के बीच जो है इसकी याद दूरी को कम करने के लिए बनाई गई है? ठीक है, क्या करने को, इसके बीच जो है ये कम करने को बनाई गई है, किसके बारे में बात कर रहे हैं ये हमें आपको बताना। बताओ जरा किसके बारे में बात कर रहे हैं? करबुदे सुरंग, अटल सुरंग, जवाहर सुरंग, नाटूवाड़ी सुरंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल दैट विल रिड्यूस द ट्रेवल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड केलोंग? बताओ जरा क्या हो जाएगा, उस सुरंग का नाम क्या है वो बताना है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अटल सुरंग। आगे, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र भारत में फिलिनब्लैंक्स ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। सौर ज्वारीय पवन ऊष्मीय गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबन रीजन प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर द यूज ऑफ फिलिनब्लैंक्स एनर्जी इन इंडिया। बताओ जरा किस तरह की ऊर्जा के लिए इनका उपयोग किया जाता है वो बताना है ना, किस तरह की ऊर्जा के लिए इसका उपयोग करते हैं? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन, यहां पर क्या चीज आपको ज्यादा मिलेगी? क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ज्वारीय ऊर्जा है ना। कौन सी ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा मिलती है, ये याद रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन और देख लो, लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है किस राज्य में स्थित है? एक है आपकी लोमस ऋषि गुफा, कौन सी एक गुफा है जिसका नाम है लोमस ऋषि गुफा, पूछ रहा है भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। लोमस ऋषि केव विच इज अ मैन मेड केव, आदमी द्वारा बनाई गई है, मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। ठीक है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस स्टेट से यह संबंधित है वो पूछ रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आपका 25, तुम्हारा 1% चार्ज है फोन, कोई बात नहीं चार्ज पे लगा लेना, आखिरी क्वेश्चन है ये। कहां पर है तो याद रखिएगा, ये है बिहार में। कहां है? ये है बिहार में। ये थी आपकी आज की क्लास, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए, जो कुछ भी नया आपको देखने को मिलता है उसको जो है लिख लीजिए। जब आपने कुछ लिखा है तो उसे क्लास के तुरंत बाद एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, जिससे कि आप अपने उसे अपने एग्जाम तक लेकर जा सके। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए टारगेट बैच है 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पायलट बैच एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है, अग्निवीर जो है उसके लिए अग्निवीर बैच है, सीजीएल सीएचएसएल के लिए आपके पास संकल्प बैच है। ठीक है, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके
प्ले स्टोर पर जाके जिस चैट बॉक्स में है आप, इसमें ऊपर पिन किया गया, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ईबुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है ना आपको प्रोवाइड करा देते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो है वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए, जो कुछ भी मिले उसे लिख लीजिए, ठीक है, जो कुछ भी आपको नया मिलता है उसे लिख लीजिए और क्लास के तुरंत बाद उसको रिवाइज जरूर कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।